गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। चलिए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर के टॉप क्वेश्चन को हमने डिस्कस करेंगे। टू डे के अंदर में जितना भी क्वेश्चन रहे, 6 और 7 फरवरी में जितना भी क्वेश्चन रहे उसी को डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। सो ये रहे आपके सामने पहला क्वेश्चन आज की करंट अफेयर की। हु बिकम्स टॉप ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स 2024 एमोंग इंडियंस। हु बिकम्स टॉप ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स 2024 एमोंग इंडियंस, किसने बने हैं? हमने सिर्फ और सिर्फ जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे उसी को डिस्कस करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। ये बने हैं मुकेश अंबानी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मुकेश अंबानी। अकॉर्डिंग टू ब्रांड फिनांस ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स 2024, मुकेश अंबानी द चेयरमैन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL इज रैंक फर्स्ट एमोंग इंडिया एंड सेकेंड एमोंग वर्ल्ड वाइड। सेकेंड जो कि वर्ल्ड वाइड पर बने हैं, वर्ल्ड वाइड पर जो फर्स्ट बने हैं किसने, उसका नाम है, मतलब वर्ल्ड में जो टॉप रहे वो है, याद रखिएगा, हुआटेंग मा, इसका नाम ऐसा है कुछ, हुआटेंगमा वर्ल्ड ओवर में जो कि टॉप पर रहे एंड मुकेश अंबानी ने सेकेंड पर रहे, बट इंडिया में आप पूछे तो ये टॉप पर रहे। अकॉर्डिंग टू ब्रांड फिनांस बोर्ड जो ब्रांड रहे गार्डियनशिप इंडेक्स 2024 के, मुकेश अंबानी ने टॉप पर रहे। नेक्स्ट नंबर टू, साधु मेहर ऑफ अंकुर फेम हज पास्ड अवे एट 84 एज एंड ही वॉज एसोसिएटेड विथ व्हिच फील्ड। साधु मेहर ऑफ अंकुर फेम हज पास्ड अवे एट 84 एज एंड ही वॉज एसोसिएटेड विथ व्हिच फील्ड, कौन से फील्ड से उन्होंने रिलेटेड रहे? उन्होंने एक एक्टर था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एक्टर। याद रखिएगा उन्होंने जो कि मतलब हिंदी और ओडिया फिल्म में काम की है, मतलब उनका डेथ हुआ है February 2, 2024 में, हिंदी एंड ओडिया फिल्म में काम किए। मेहर जो कि फर्स्ट ओडिया एक्टर नेशनल अवार्ड ली है, पहला ओडिया एक्टर जो कि नेशनल अवार्ड ली है एंड उन्हें 2017 में पद्मश्री मिली है, पद्मश्री अवार्डेड। उसका नाम है साधु मेहर, मतलब ऑफ अंकुर फेम हज पास्ड अवे एट 84 एज एंड ही वॉज एसोसिएटेड विथ एक्टर, फिल्म एक्टर था। नेक्स्ट नंबर थ्री, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एशियन क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एशियन क्रिकेट कॉन्फ्रेंस किसने बने हैं जो कि चेयरमैन के रूप में? जय शाह, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जय शाह, जो कि February 4 में जय शाह ने जनरल सेक्रेटरी बने हैं। बी सी सी आई ने उन्हें री इलेक्ट की है, उनकी टेन्योर रहे जो कि जनवरी 2025 तक रहे उनके टेन्योर BCCI ने सिलेक्ट की है। इम्पोर्टेंट है जो ICC है ना, ICC का हेडक्वार्टर आपको कौन से प्लेस पे मिलेगा, याद रखना चाहिए आपको। इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। ICC की हेडक्वार्टर आपको दुबई UAE यूनाइटेड अरब अमीरात में मिलेगा, ICC की हेडक्वार्टर। एंड ये जो हेडक्वार्टर है ना, ये जो ICC की, ये फर्स्ट फेज में जो पहले से ये दुबई में नहीं था, कौन सी प्लेस में, ये हेडक्वार्टर फर्स्टली लंदन में था और लंदन से शिफ्ट करके दुबई करी गई। क्यों, मतलब ये इसका हेडक्वार्टर मतलब आपको अभी के टाइम में दुबई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में मिलेगा, बट पहला फेज में ये दुबई में नहीं था, लंदन में था और लंदन से शिफ्ट करके दुबई करी गई। मतलब क्योंकि दुबई एक टैक्स फ्री नेशन, इसलिए जो कि दुबई करी गई, पहला फेज में लंदन था, याद रखिएगा। एंड BCCI की भी हेडक्वार्टर आपको दुबई में मिलेगा एंड BCCI के प्रेसिडेंट है अभी करेंटली जो प्रेसिडेंट रहे, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जो BCCI है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया, इसका प्रेसिडेंट है रोगर बिने, अभी के टाइम में जो प्रेसिडेंट रहे। एंड ये एस्टेब्लिश करी गई थी जो कि 1928 दिसंबर 1 में एस्टेब्लिश करी गई थी। इम्पोर्टेंट है एंड
और जो आईसीसी है, आईसीसी एस्टेब्लिश की गई थी, आईसीसी एस्टेब्लिश 1909 में। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जो कि याद रखिएगा शशांक मनोहर जो प्रेसिडेंट है, एंड इसका सीईओ है मनु सोहनी। आईसीसी के सीईओ है मनु सोहनी एंड प्रेसिडेंट शशांक मनोहर। एंड आईसीसी के एस्टेब्लिश 1909 में। एंड बीसीसीआई के एस्टेब्लिशमेंट आपको पूछे तो 1928 दिसंबर 1, याद रखिएगा ये सभी को जितना भी एक्स्ट्रा दी जा रहा है। एंड अभी के टाइम में जो आईसीसी के हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा दुबई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में। नेक्स्ट नंबर 4, व्हाट इज़ द नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड। अभी एक WHO की एक रिपोर्ट आई है, मतलब व्हाट इज़ द नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ इन वर्ल्ड। वर्ल्ड में जो नंबर 1 कॉज रहे डेथ की, ये कौन सी रहे, ये है हार्ट डिजीज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हार्ट डिजीज मतलब कार्डियक अटैक, हार्ट डिजीज। एंड सेकेंड पर आपको पूछे तो कैंसर होगा सेकेंड पर, बट टॉप पर जो रहे ये है हार्ट डिजीज। सबसे ज़्यादातर जो लोग का डेथ होती है, देहांत होती है, ये है हार्ट डिजीज के कारण। मोर देन हाफ ऑफ ऑल पीपल हु डाई ड्यू टू हार्ट डिजीज आर मैन, जो कि मैक्सिमम केसेस में मैन ही देखने को मिलता है जो कि हार्ट डिजीज केसेस, याद रखिएगा। एंड एक वर्ल्ड हार्ट डे एक रहे, वर्ल्ड हार्ट डे ये है 29 सितंबर। एंड सेकेंड जो डेथ परसेंटेज रहे, जो सेकेंड डेथ कॉज रहे ये है कैंसर। एंड इसका एक डे रहे कैंसर डे, ये है 4th फेब, अभी करेंटली डिस्कस की गई थी, 4th फेब सेलिब्रेट की जाती है कैंसर डे के रूप में। नेक्स्ट नंबर 5, हु विन्स बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉरपोरेट अवार्ड। हु विन्स बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉरपोरेट अवार्ड, यह है रेक, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रेक, जो कि विन की है बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉरपोरेट अवार्ड। रेक हैज रिसीव द अवार्ड फॉर इसेंस ऑफ $750 million USD ग्रीन बॉन्ड इन अप्रैल 2023, जो कि ये मतलब विन की है बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉरपोरेट अवार्ड, याद रखिएगा। एंड रेक का फुल फॉर्म है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। एंड एस्टेब्लिशमेंट आपको पूछे तो रेक का ये एस्टेब्लिशमेंट है 25 जुलाई 1969 में। एंड इसका मेन एम क्या रहे, ये जो रेक का मेन एम जो है ना, मेन एम है यहाँ रहे फिनांसिंग रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम इन द कंट्री, फिनांसिंग रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम इन द कंट्री, ये है रेक का मेन एम। नेक्स्ट नंबर 6, डस्टेड अपोलो बटरफ्लाई साइटेड फॉर फर्स्ट टाइम इन व्हिच प्लेस, व्हिच स्टेट। डस्टेड बटरफ्लाई मतलब एक डस्टेड बटरफ्लाई रहे, इसका नाम एक डस्टेड बटरफ्लाई साइटेड फॉर फर्स्ट टाइम पहले बार दिखी गई है कौन सी प्लेस में, कौन सी स्टेट में, ये है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश। ये एक हाई अल्टीट्यूड बटरफ्लाई है, ये जो स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये एक हाई अल्टीट्यूड वाला बटरफ्लाई है, मतलब लगभग 4 किलोमीटर से ज़्यादा ऊंचाई में देखने को मिलता है, और 3 से 4 किलोमीटर हाई अल्टीट्यूड बटरफ्लाई, याद रखिएगा। द डस्टेड बटरफ्लाई अपोलो बटरफ्लाई वॉज डिस्कवर्ड इन द 1890, ये डिस्कवर की गई थी 1890। ये एक अपोलो बटरफ्लाई जो कि एक एंडेंजर्ड स्पेसीज है, ये एक विलुप्त प्राय ये स्पेसीज है, एंडेंजर्ड स्पेसीज, याद रखिएगा, जो कि अभी करेंटली ये हिमाचल प्रदेश में दिखी गई है, इसका एक फोटोग्राफ ली गई है ये जो स्क्रीन पे देख रहे हो। एंड आपको ये हिमाचल प्रदेश की कैपिटल आपको पूछे तो शिमला, कैपिटल है शिमला अंडर डेहराडून, सॉरी डेहराडून नहीं
शिमला जो कैपिटल कैपिटल है शिमला, जो कि समर कैपिटल एंड विंटर कैपिटल है धर्मशाला, धर्मशाला जो कि विंटर कैपिटल है। एंड ये जो हिमाचल प्रदेश का सीएम कौन है, सीएम है सुकोविंद्र सिंह सुकू एंड गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। नेक्स्ट नंबर 7, व्हिच कंट्री विल बी को होस्टिंग द फीफा वर्ल्ड कप 2026। व्हिच कंट्री विल बी को होस्टिंग द फीफा वर्ल्ड कप 2026। ये जो फीफा अनाउंसमेंट की गई है, ये फीफा ने अनाउंसमेंट करी है फरवरी 4 में, ये अनाउंसमेंट करी है जो कि ये मतलब जो कि को होस्टिंग करेगा फीफा वर्ल्ड कप 2026 के, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, कनाडा एंड मैक्सिको। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। फीफा ने अनाउंसमेंट करी है, बस इतना ही याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे ही क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ये रहे नंबर 8, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ इट्स कंज्यूमर लीडिंग एंड मोट्रोगेजेस इन बंधन बैंक। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ इट्स कंज्यूमर लीडिंग एंड मोट्रोगेजेस इन बंधन बैंक। ये बंधन बैंक की जो बने हैं ये है संतोष नायर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, संतोष नायर। उन्होंने पहले से ही मतलब सीईओ था, कौन सी की, HDFC की सीईओ था, याद रखिएगा, जो कि संतोष नायर है, अभी करेंटली अपॉइंटेड की गई है हेड ऑफ इट्स कंज्यूमर लीडिंग एंड मोटरगेजेस ये ने बंधन बैंक। उन्होंने पहले से ही सीईओ था HDFC की। एंड ये जो बंधन बैंक है ना, इसका एमडी है चंद्रशेखर घोष, एमडी है, इतना ही याद रखना। आगे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ये रहे नंबर 9, रिसेंटली इन व्हिच स्टेट पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इंडियाज एनर्जी वीक। रिसेंटली इन व्हिच स्टेट पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट इंडियाज एनर्जी वीक, ये है गोवा में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गोवा। फर्स्ट टाइम ये सेलिब्रेट करी गई थी, ऑब्जर्व की गई थी 2023 में पहले बार, एंड ये सेकेंड टाइम ये गोवा में हो रहा है। पहले बार बेंगलुरु में हो रहा था, कर्नाटक के बेंगलुरु में 2023, एंड ये करेंटली भाई गोवा में हुआ है, जो कि एनर्जी वीक के रूप में ये ऑब्जर्व करी गई है। ये 6 to 9 तक ऑब्जर्व की जाएगी, याद रखिएगा। जो कि पीएम ने और एक भी अनाउंसमेंट करी है, जो कि 5 to 6 साल में $67 अरब स्पेंड करने वाला है, करने का बात करी है, जो कि ये एनर्जी लेवल जो कि $67 अरब की स्पेंड करने का बात करी है, याद रखिएगा। ये अभी करेंटली गोवा में ये इनागोरेट करी है एनर्जी वीक, इंडियाज एनर्जी वीक सेकेंड टाइम, याद रखिएगा। एंड फादर ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, किसने, फादर ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ये है, याद रखिएगा, आर्थर एच रोजेनफील्ड, आर्थर एच रोजेनफील्ड, जो कि फादर ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, आर्थर एच रोजेनफील्ड, याद रखिएगा। एंड मिनिस्ट्री आपको इसका, मिनिस्ट्री आपको पूछे तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो रहे, इसका मिनिस्ट्री है, यूनियन मिनिस्ट्री है, ये है आरके सिंह, यूनियन मिनिस्टर, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 10, 2024 मेंस FIH हॉकी फाइव एस वर्ल्ड कप, इट वॉज हेल्ड फ्रॉम 28 to 31 January 2024 इन व्हिच प्लेस, कौन सी प्लेस में ये हुआ था मास्कॉट ओमान में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मास्कॉट ओमान। 28 जनवरी to 31 जनवरी तक ये हुआ था। एंड टोटल टीम इसमें 16 टोटल टीम पार्टिसिपेट करी थी, याद रखिएगा। एंड इसका चैंपियन जो रहे ना, चैंपियन है ये है नीदरलैंड। एंड रनर्स अप किससे मिली है, रनर्स अप ये है मलेशिया को रनर्स अप मिली है। एंड थर्ड पर जो रहे वो है ओमान ने, एंड ये वही ओमान जो कि मास्कॉट ओमान में ये हुआ था, याद रखिएगा, जो कि मेन्स FIH हॉकी फाइव एस वर्ल्ड कप ये हुआ था मास्कॉट ओमान में, रनर्स अप मिली है मलेशिया को, चैंपियन रहे नीदरलैंड, थर्ड पर रहे ओमान। एंड जो बेस्ट प्लेयर मिली है ना, बेस्ट प्लेयर ये है
अखीमुल्ला अनूर याद रखिएगा, बस इतना ही याद रखना। ये हुआ था मैस्कॉट ओमन में, चैंपियन रहे नेदरलैंड, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। सो फ्रेंड, ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस किए सभी को याद रखिएगा। नीचे एक टेलीग्राम चैनल है, इसमें आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक ऐसा ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।